अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। अभी कुछ दिन पहले हमने CTT फेक नोटिफिकेशन के बारे में आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी थी, और आप देख ही चुके हैं कि 20 अगस्त गुजर चुका है, फॉर्म वगैरह कुछ नहीं है, यानी वो पूरी तरह से इस बात पे सिक्का लग गया कि पूरी तरह से फेक नोटिफिकेशन थी। अब महा TET एग्ज़ाम्स के ताल्लुक से फेक नोटिफिकेशन वायरल होने लगी है। किसी एक यूट्यूब चैनल ने और व्हाट्सएप पर ये न्यूज़ फैलाई जा रही है कि नवंबर में जो TET एग्ज़ाम होगा उसके लिए सकार पेपर का हवाला दिया जा रहा है कि सकार पेपर में ये न्यूज़ है, और इसमें कहा गया है कि TET एग्ज़ाम नवंबर मध्य फिर से लिया जाएगा, BEd DEd वालों को इसका फ़ायदा होने वाला है। तो ये देखिए, ये न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ पूरी तरह से फेक है, और न्यूज़ फेक क्यों है उसके मैं वजूहात भी रीज़न्स भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले न्यूज़ जहाँ से पब्लिश हुई है उसका, न्यूज़ से पहले यहाँ पर देखिए स्टार्ट में वो दिया जाता है नाम, यहाँ देख सकते हैं अभी न्यूज़ के शुरुआत में ही लिखा हुआ है बेड़गांव। ये कर्नाटक रियासत का एक ज़िला है, और अगर आपको बेड़गांव कहाँ है ये नहीं भी पता, अगर आप पूरी न्यूज़ पढ़ लेते या जो यूट्यूबर थे वो इस न्यूज़ को पूरी तरह पढ़ लेते, तो इसके देखिए यहाँ लास्ट लाइन में यहाँ आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है तरी या पैकी 5000 जगह कल्याण कर्नाटका मध्य भर्ती होना रहे, यहाँ कर्नाटका बतला दिया कि ये न्यूज़ कर्नाटका की, इस पे से भी समझ में आ जाएगा आपको। तो इस तरह से ये जो कर्नाटका स्टेट की न्यूज़ थी उसको महा TET की न्यूज़ बतलाया चलाया जा रहा है, ये पूरी तरह से फेक न्यूज़ है। इससे आप बचिए, और इस तरह के यूट्यूबर से आप सावधान रहिए जो सिर्फ व्यूज के लिए चंद व्यूज के लिए जो तो गलत नोटिफिकेशन और गलत मालूमात देते हैं। ये पूरी तरह से फेक न्यूज़ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं। अभी नेक्स्ट मंथ में TET का रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह, उसके बाद TET नोटिफिकेशन होगा और TET आएगा। CTT का भी आया हुआ है कि दिसंबर में CTT इम्तिहान होने वाले हैं, और उसका नोटिफिकेशन भी इंशाल्लाह अगले महीने आ जाएगा। महा TET अब इस साल तो मुमकिन ही नहीं, अगले साल अगर होता है तो उसके कोई चांसेस बनते हैं, नहीं तो फ़िलहाल अभी एक साल तो उसकी भी कोई चांसेस नहीं है। तो इसी तरह की ऑथेंटिक और भरोसेमंद न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।